सो हाय फ्रेंड्स, सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप रियलिस्टिक ट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल कलर से। सो गाइस, मैंने अभी स्टेम की आउटलाइन बना रखी है, सो वो आप देख सकते हैं सामने। और फिर मैं जो जो कलर आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ वो आपको पता चल ही जाएगा। सो गाइस, ये ट्री मैं बनाने स्टार्ट करने आ रहा हूँ। सो सबसे पहले हम लेंगे ये ब्राउन कलर, ये लाइट ब्राउन है, और आपको साथ में डार्क ब्राउन भी चाहिए। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट ब्राउन से शेडिंग करना इस तरह से। सो गाइस, हमें यहाँ पर लास्ट में थोड़ा डार्क रखना है आउटलाइन पे, और फिर बीच बीच में हमें हल्का लाइट करते आना है। फिर गाइस, हम धीरे धीरे ऐसे ही शेड करते रहेंगे, नीचे में भी डार्क हम करेंगे। तो गाइस, इस साइड हो जाने के बाद हम अपनी डार्क ब्राउन कलर लेंगे, और थोड़ा स्टेम के लास्ट में, तने के लास्ट में हम धीरे धीरे डार्क करेंगे। और गाइस, हमें अपने कलर को अच्छे से मिला लेना है, ऐसा नहीं कि एक तरफ अचानक से डार्क ब्राउन हो और एक तरफ देखें तो अचानक से देखें कि लाइट ब्राउन है। सो गाइस, हमें अपने कलर को मिला देना अच्छी तरह से।
हम फिर से अपनी लाइट ब्राउन कलर लेंगे और इसको धीरे धीरे मिडिल तक अपनी हम इसे शेड कर लेंगे। तो गाइस अब मैं जैसे ऐसे दिखा रहा हूँ अब आपको वैसे वैसे कर लेना है। तो गाइस जब हम इधर साइड आएंगे तो इधर साइड भी हमें थोड़ी थोड़ी ऐसे डार्क कर देनी है। अब सिर्फ इतना बीच में हमारी एरिया जो है उसे हमें लाइट रखना है। अब हम करते हैं शेड धीरे धीरे। तो गाइज ये करने के बाद हमें अपने फिंगर्स की मदद से या फिर कॉटन की मदद से इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। गाइज आप ब्लेंडिंग स्टफ का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वो है तो। गाइज अगर आप
ब्लेंडिंग शब खरीदना नहीं चाहते हैं तो मैंने उसके भी वीडियो ला मैंने उसके भी वीडियो बना रखी है, वो आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये फिंगर्स के करने के बाद ये आपकी बॉर्डर भी लाइट हो गई है, तो हम फिर से इसे धीरे धीरे शेड करके हम इसे अब थोड़ा सा और डार्क करेंगे। तो गाइस, हम धीरे धीरे पूरे सारे स्टेम्स को इसी तरह से शेड कर देना है। तो गाइस, हम सारे जगह में यही थीम लेकर चल रहे हैं कि साइड में, किनारे में, यहाँ पर मैंने डार्क नहीं किया, वो मैं अभी कर दूँगा अभी डार्क ब्राउन से। सो गाइस, बीच में यहाँ पर हमें लाइट रखनी है और साइड में हमें डार्क कर देना है रियलास्टिक दिखने के लिए। गाइस, ठीक इसी तरह हमें चारों ये जितने भी स्टेम्स निकले हुए हैं उन्हें कर देना है। सो गाइस, हमने उसे कर लिया पूरी तरह से, मैंने ब्लेंड भी कर लिया है। गाइस, हम तीन तरह के ग्रीन लेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं, दो डार्क हैं और एक लाइट है। सो गाइस, अब हम ये तीनों से अपने लीव्स शेड करना स्टार्ट कर। सो गाइस, सिंपली हमें ऐसे ऐसे छींच नहीं देना है, मैं आराम से छोटे छोटे स्ट्रिप लेके सारे डायरेक्शन में करना है।
सो गाइस अब आपको ऐसे स्टेप्स सर सारे स्टेप्स फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और एक और डार्क ग्रीन। तो गाइस सबसे पहले हम नीचे में सबसे डार्क ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद जब कुछ घना हो जाए तो हम अपने उससे थोड़ी सी लाइट वाली ग्रीन लेंगे और पतले पतले सेम स्ट्रिप्स बनाना कर देंगे। गाइस सबसे ऊपर में आपको सबसे लाइट ग्रीन कलर का यूज करके कर दें। सो गाइस हमें ऊपर में अब हमें लाइट करना है, तो हम ऊपर में येलो कलर का यूज करके इसे और लाइट करेंगे। और गाइस इसी तरह से हमें अपने सारे पूरे स्टेम्स यहाँ तक ये सारे को पूरा हमें इसी तरह से लीव से कवर कर देना है, और इसी तरह से हमारी लीव्स और ट्री कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कि एक पाइन ट्री या फिर कोकोनट ट्री कैसे बनाते हैं। सो वो आप ज़रूर देखना, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको वो वीडियो सबसे पहले मिलेगी। सो बाय फ्रेंड्स। सो गाइस हमने उसे कर लिया पूरी तरह से, मैंने ब्लेंड भी कर लिया है। गाइस हम तीन तरह के ग्रीन लेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं, दो डार्क हैं और एक लाइट है। सो गाइस अब हम ये तीनों से अपने लीव्स शेड करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस सिंपली हमें ऐसे ऐसे छेद नहीं देना है, मैं आराम से छोटे छोटे स्ट्रिप लेके सारे डायरेक्शन में करना है। सो गाइस अब आपको ऐसे स्टेप्स सर सारे स्टेप्स फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और एक और डार्क ग्रीन। तो गाइस सबसे पहले हम नीचे में सबसे डार्क ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद जब कुछ घना हो जाए तो हम
अपने उससे थोड़ी सी लाइट वाली ग्रीन लेंगे और पतले पतले सेम स्ट्रीम्स बनाना कर देंगे गाइस। सबसे ऊपर में आपको सबसे लाइट ग्रीन कलर का यूज करके कर दें। सो गाइस हमें ऊपर में अब हमें लाइट करना है, तो हम ऊपर में येलो कलर का यूज करके इसे और लाइट करेंगे। और गाइस इसी तरह से हमने अपने सारे पूरे स्टेम्स यहाँ तक ये सारे को पूरा हमें इसी तरह से लीव से कवर कर देना है, और इसी तरह से हमारी लीव्स और ट्री कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कि एक पाइन ट्री या फिर कोकोनट ट्री कैसे बनाते हैं। सो वो आप ज़रूर देखना, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको वो वीडियो सबसे पहले मिलेगी। सो बाय फ्रेंड्स।